जय हिंद। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं चैनल एन टीवी लाइव और आपका फेवरेट शो खास मेहमान। दोस्तों, आज की मेरी खास मेहमान बहुत खास है हमारे मेरठ में, मेरठ या मेरठ के आसपास बहुत समाज सेवा की है इन्होंने। आज मेरे साथ हैं सारथी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कल्पना पांडे जी। तो आज बहुत सारी बातें हम करेंगे कल्पना पांडे जी से और जानेंगे और ज़्यादा करीब से सारथी वेलफेयर एसोसिएशन से। तो आइए बात करते हैं कल्पना जी से। कल्पना जी, वेलकम टू द शो। आज आप चैनल एन टीवी लाइव पर हमारी खास मेहमान हैं। वैसे तो आप एक बहुत चर्चित हैं अपने क्षेत्र के अंदर समाज सेवा के लिए, तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहूँगी कि आप मेरे पास आए और आप इस सामने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले जो ये मुझे प्रेरणा मिली है वो मुझे मेरे फादर से मिली है। जो मेरे फादर हैं श्री वीरेंद्र कुमार पांडे जी, वो शुरू से ही हमेशा मैंने उनको देखा है कि वो दूसरों की हमेशा से मदद करते आए हैं। तो मैं वहीं से ही उन बचपन से ही जेनेटिक प्रॉब्लम तो वही है मेरे साथ। तो आपको कब लगा कि जब स्टूडेंट थी जब या फिर उसके पहले कि मुझे एक समाज सेविका बनना है? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। मैंने पहले स्टार्टिंग में अपनी गली मोहल्ले से लेकर स्टार्टिंग करी थी। शुरुआत किस तरह हुई कि मतलब कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है? अभी तो सारथी बन गए एसोसिएशन, उससे पहले किस तरह शुरुआत की? एक हमारे घर के बाहर एक प्रेस वाले अंकल थे। तो उनके साथ ये था कि वो हम डेली उनको देखते थे, प्रेस करते रहते थे। लेकिन उनके साथ एक दिन ऐसी हुआ कि उनको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तबीयत खराब हो गई थी। उनके पास कपड़े रखे थे बहुत सारे, तो मैंने कहा कि आप आराम कर लीजिए और मैं आपके कपड़े मैं प्रेस कर दूंगी। तो मैंने वहीं पर रोड पर ही खड़ी होकर उनके कपड़े भी प्रेस कर डाले, सब रख के उनको दे दिया था। तो इसी तरह से मैं ऐसे ही हेल्प करती रहती थी हमेशा से। ये भावना मन में बचपन से ही थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं किसी को देख नहीं सकती प्रॉब्लम में। तो ये जो घटना आपने बताई, आपने प्रेस कर दी, ये आप उस समय किस एज, क्या कौन सी क्लास में रही होंगी आप? सेवेंथ में थी उस टाइम में। अच्छा, अब ये बताइए कल्पना जी की बात करेंगे आपके एजुकेशन की, तो ये कहाँ बेसिकली यू बिलोंग टू मेरठ और ये आप किसी शहर से यहाँ पर आई हैं? हाँ, मैं एक्चुअली जो है हम लोग फैजाबाद से आए हैं, जहाँ पे अयोध्या है श्री राम की नगरी से। तो हम वहाँ के ही हैं। उसके बाद पापा की मेरी जॉब लग गई थी तो बैंक में, तो हम लोग यहीं पे आ गए थे। आपकी पैदाइश मेरठ की है या फैजाबाद की है? फैजाबाद, राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि से। अच्छा, ओके। तो अब जानना यह है कि शिक्षा कहाँ, आपने शिक्षा कहाँ ली और कहाँ तक ली? मैंने यहीं पर ही पंजाब सेंटर है, केंद्रीय विद्यालय पंजाब लाइंस, वहाँ से मैंने जो है पूरी 12th क्लास करी है। उसके बाद मैं मेरठ कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे आपके? इंग्लिश थी, ज्योग्राफी थी और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ओके। अच्छा कल्पना जी, अभी बताइए कि आजकल देयर आर लॉट ऑफ एनजीओस दैट आर डूइंग सोशल वर्क, तो मैं सारथी को कहाँ डिफरेंट मानूँ उन सबसे? एक तो मैं सबके लिए फ्री सेवा उपलब्ध करवाती हूँ, किसी से आज तक मैंने 10 रुपए भी नहीं लिए हैं और अपने बलबूते पर सारा काम करती हूँ। और जो मैं स्टिंग ऑपरेशंस करती हूँ वो यहाँ पर और कोई संस्था नहीं करती है। जिस हिसाब से मैंने चरस को लेकर, शराब को लेकर हमने इस तरह के स्टिंग ऑपरेशंस करे हैं। कोई एक किस्सा बताइए इंटरेस्टिंग सा कि जिसमें कि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया हो। ओके, एक बार ऐसी हुआ था कि मैं अपनी मम्मी के घर पर थी, कंकड़खेड़े ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर ही है। तो वहाँ पर मैं बैठी हुई थी तो अचानक मेरे पास एक बच्चा आता है, उसने मुझसे कहा कि दीदी यहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो मैंने कहा कहाँ पर है, तो उन्होंने बताया कि यहीं पास में ही है, लाला महमदपुर जगह है। जब तक सारथी बन चुकी थी? हाँ जी बिल्कुल। तो ये मेरा पहला स्टिंग ऑपरेशन था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे वहाँ पे लेके चलिए, मैं देखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी आप वहाँ पे जाओगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है वो और बिल्कुल अलग से एरिया में जाके पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं मैं तब भी चलूँगी, कोई बात नहीं आप ले चलो मुझे। तो मैं उस बच्चे को लेकर के अपने साथ चली गई। फिर उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से आप आगे देख रहे हो जहाँ पर, तो वहाँ पर ये चीज़ मिलती है। तो मैंने कहा ठीक है आप यहीं पर रुको, मैं खुद जा रही हूँ वहाँ पर। तो जब मैं आगे पहुँची ना, तो देखा वहाँ पर लड़कियाँ भी वहाँ पर खरीद रही थी। तो मुझे सबसे ज्यादा जब इस चीज को देख के बहुत दुख हुआ कि आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है, हाँ वो भी लड़कियाँ, उनको देख के मुझे बहुत दुख हुआ था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे इस चीज के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा अब। तो फिर मैं वहाँ पे गई, उस लड़की ने बल्कि मुझे देखते के साथ ही वहाँ से निकल ली। फिर मैंने उससे पूछा कि भैया कैसे दे रहे हो, तो उन्होंने बताया कि आपको 60 रुपए वाला चाहिए, 90 रुपए का चाहिए, इस तरह से रेट थे उनके। तो फिर मैंने उनसे लिया और लेकर के फिर घर आई। फिर मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी तैयारी करी कि अब मुझे इसको कैसे पकड़ना है।
फिर मैंने अपने संस्था के साथ के लोग जितने भी थे मेरे, उनके साथ हम लोग नेक्स्ट डे डीआईजी ऑफिस पे गए। वहाँ पे आशुतोष सर थे, उनसे हमने बात करी और वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने उसी टाइम कह दिया कि जो है ठीक है मैं आपको टीम देता हूँ और आप लोग जाइए वहाँ पर, जो आप चाहते हैं उसी तरह से होगा। तो मैंने ठीक है, तो उनके साथ हमें जो है सब लोग सब वहाँ पे पहुँचे और मतलब एक फिल्मी सीन होता है ना, बिल्कुल मार पीट आई और सारी चीज़ें सब कुछ हुआ था वहाँ पर। तो फिर उनको वहाँ पे पकड़ा गया, फिर जेल भेजा गया, फिर वहाँ पे लोग बाग मुझे नेक्स्ट डे ढूंढने लग गए कि ये रेड स्कूटी वाली कौन थी, और मतलब कि मेरे घर वाले जो थे ना उनको भी डर लगा कि हाँ कि मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि आप मैं कम से कम यहाँ पे एक हफ्ते तक मत आओ। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैं कोई डरी नहीं, मैं इस चीज़ में अभी तक उसी चीज़ को लेकर मैं अभी तक आगे बढ़ रही हूँ। तो फिलहाल मैं साथ ये स्टिंग ऑपरेशन के साथ साथ जागरूकता प्रोग्राम भी करती रहती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो सारथी संस्था है उसके मोटिव्स क्या क्या हैं? हम लोग एक तो नशा मुक्ति के लिए हम लोग वर्क करते ही हैं, साथ में महिला उत्पीड़न इस पे हम लोग जो पूरा इस पे देखते रहते हैं, जो भी महिलाओं के साथ दिक्कतें हैं परेशानी हैं उन सब के ऊपर भी हम लोग उनकी मदद करते हैं। किस तरह से आप हेल्प और किस किस फॉर्म्स में आपने हेल्प की है महिलाओं की? महिलाओं के लिए जैसे किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे रेप केस वगैरह का मैटर आता है, ये सब चीज़ें, तो उसमें भी हमने उनके साथ उनको पूरा पूरा न्याय दिलाने की कोशिश करी है जाकर सर से बात करके। और एक बच्ची थी जिसको हमने सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए दिलवाए हैं क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार। किस तरह वो बताइए, किस 3 लाख रुपये किस तरह दिलवाए आपने? वो ये हुआ था कि उस बच्ची के साथ एक रेप की घटना हो गई थी और वो जो है 14 साल की बच्ची थी बस, और उसके उसने जो एक बेटे को भी जन्म दिया था, लेकिन उनकी स्थिति परिवार की इतनी बुरी थी कि वो उस बच्चे को भी नहीं पाल सकते थे। तो फिर उन्होंने मुझसे बात करी और मैं उनको लेकर के फिर डीएम सर के पास गई और डीएम सर से उनसे बात करी कि सर आप इनको किसी भी तरह से हेल्प कर दीजिए इनकी। तो फिर उन्होंने वहाँ पर तुरंत ही 1 लाख रुपए का उनको मुआवजा देने की बात करी और उसके बाद उसके 2 महीने के अंदर उनके पास 3 लाख रुपए टोटल आ गए थे। उनका अकाउंट भी एक्चुअली हमने ही खुलवाया सारी चीज़, उनके पास कुछ भी नहीं था करने को, तो पूरा दिन अकाउंट सब कुछ। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा कल्पना जी, ये बताइए कि आप गृहिणी भी हैं, पति भी हैं, बच्चे भी हैं वहाँ, और एक तरफ आपकी समाज सेवा, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे पूरा होता है? बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं तो 2 बजे तक वो आते हैं, उस 2 बजे के बीच में मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके घर वापस आ जाती हूँ। एंड व्हाट अबाउट द हस्बैंड? हस्बैंड भी सुबह मॉर्निंग में वो भी चले जाते हैं, तो फिर जब वो मतलब ये है कि अगर मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो घर में सब अपने अपने काम पे जा चुके होते हैं, और जैसे ही मैं घर आती हूँ तो मुझे मेरे आने के बाद ही सब लोग मुझे घर पे मिलते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि मम्मी मेरी कहीं गई, या फिर उनको ये नहीं रहता इस चीज़ का, तो मैं उनको हमेशा प्रॉपर टाइम देती हूँ। मतलब घर मैनेजमेंट खराब नहीं होता है घर का? पति को कोई शिकायत है आपसे समय न देने की? नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट की वजह से मैं ये चीज़ कर भी रही हूँ। वेल दोस्तों, अभी बहुत सारी बातें हम और करेंगे कल्पना पांडे जी से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा है सुहाना सुहाना, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, सी समथिंग डिफरेंट, सी समथिंग न्यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, यू आर वॉचिंग चैनल एन टीवी लाइव। मैं हूं नवेद खान और आज मेरी खास मेहमान है कल्पना पांडे, सारथी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेजिडेंट हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, स्टिंग ऑपरेशंस भी किए, तो आप और बाकी की बात करते हैं। आपने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि आपने स्टिंग ऑपरेशन भी किए और आपका जो स्पेशल जो मोटिव है नशा मुक्ति और महिलाओं के उत्तीर्ण के लिए आप कार्य कर रही हैं। अब जानना यह है कि एक कल्पना पांडे सोशल वर्कर है, एक कल्पना पांडे
के घर के अंदर एक रूप है, तो जब भी कभी आपको खाली समय मिलता है तो वो खाली समय किस तरह आप व्यतीत करती हैं? मैं उस पर भी, मुझे मेरा वर्क ही दिखाई देता है एक्चुअली, और कुछ सॉन्ग्स वगैरह लगा लिया मैंने और थोड़ा डांस का भी शौक है। सॉन्ग्स में क्या सुनती हैं आप? सॉन्ग्स में जो थोड़े पुराने सॉन्ग्स हैं ना बीच के टाइम के, तो मैं वो सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, 70s के 80s के ऐसे ही, तो वो अच्छे लगते हैं। और डांस का बहुत शौक है, और मैं एक वॉलीबॉल प्लेयर रही हूँ, वो नेशनल लेवल तक रही हूँ मैं उसमें। कहाँ 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 खेला है आपने वॉलीबॉल? मैंने एक तो अम्बाला खेला है, और हरिद्वार गए थे हम लोग, मतलब ऐसे तीन चार जगह, एक जोनल, रीजनल, फिर नेशनल। तो नेशनल में दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन घर वालों ने ट्वेल्थ की वजह से मुझे भेजा नहीं वहाँ पर, कि नहीं नहीं फिर ट्वेल्थ क्लास है, बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं। हाँ, तो वहाँ नहीं जा पाई, लेकिन मैंने रीजनल जोनल दोनों खेला है। अच्छा कल्पना जी, अब हम बात थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे। आजकल ना लेडीज़ क्लब का बहुत चलन बढ़ गया है, बहुत सारे क्लब्स हैं मेरठ के अंदर, और जो बोलते हैं कि सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो कहाँ तक ये बात ठीक है कि दे आर डूइंग सोशल वर्क, या वो केवल मनोरंजन कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं जैसे देखती हूँ और भी लेडीज़ क्लब वगैरह को, तो नहीं, वो लोग करते हैं सोशल वर्क, ऐसा नहीं है, सब लोग सोशल वर्क भी करते हैं, उनका अलग स्टाइल है, हमारा अलग स्टाइल है। क्या क्या स्टाइल है, क्या फ़र्क है? अब वो लोग स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कर सकते ना, वो लोग अपना किटी भी करते हैं, उसके साथ साथ समाज सेवा भी करते हैं। मैंने उनको देखा, ऐसा नहीं, मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे उसमें दिखता रहती है सारी चीज़ें, तो मैं उनको ये नहीं कह सकती कि वो लोग सोशल वर्क नहीं करते हैं। कोई ऐसा फेवरेट क्लब होगा मेरठ में आपको, जिसको आप कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट क्लब ऑफ महिलाओं के जितने क्लब हैं? मैं क्लब्स वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ पेपर में, मैंने हमेशा जब पेपर उठाती हूँ तो मैं क्राइम्स वगैरह देखती रहती हूँ, कहाँ पे क्या हुआ, क्या है, किसको कहाँ पे मदद दे सकते हैं हम, तो मैं इनविलर्स क्लब वो अच्छा है। तो कल्पना जी ने डायरेक्टली कहा है कि इनरवी क्लब के जितने मेंबर्स टीवी देख रहे हैं, तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, कि कल्पना जी को आपका क्लब के बारे में बहुत अच्छी सोच रखती हैं, एंड शी सेइंग दैट इनरवी क्लब इज द बेस्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कल्पना जी, अभी आपने बताया कि आप डांस करना आपको पसंद है, तो विच फॉर्म यू लाइक टू डांस? मुझे डांस के इतने नाम नहीं पता, लेकिन इतना है कि जो भी आज आपका फेवरेट गाना कौन सा है, अगर आपसे कहें कि कल्पना को डांस करना, तो कल्पना कौन से गाने पे डांस करेंगी? हम्मा 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 ये वाला नया वाला? हाँ, ये पुराना वाला हम्मा नया वाला? और कोई एक और गाना? मुझे सारे इसी टाइप के अच्छे लगते हैं, मतलब फास्ट सॉन्ग्स जिस पे डांस करना अच्छा लगता है मुझे। अब एक बात स्पेशली मैं करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप ही करते से, और वो भी आप स्टिंग ऑपरेशंस भी किए हैं, डर नहीं लगता है कि स्टिंग ऑपरेशन करते में? एक बार तो लगता तो है, लेकिन जब मैं ठान लेती हूँ ना किसी चीज़ को, तो फिर मुझे फिर कुछ नहीं दिखाई देता है, बल्कि मुझे डर नहीं लगता इतना जितना मेरे घर वालों को लगता है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा मत किया करो, या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कुछ भी, लेकिन जो मैं मुझे करना होता है, अगर मुझे दिख रहा है कि हाँ इस चीज़ से किसी और को नुकसान हो रहा है, तो मुझे उस चीज़ को ख़त्म करना ही है। कल्पना जी, बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं टीवी पे, और कहीं ना कहीं कुछ आपसे इंस्पायर भी हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी चैनल एंड टीवी लाइव के जरिए? मैं सभी महिलाओं को यही कहूंगी कि महिला शक्ति जो है वो बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है वो अपने आप को कमज़ोर जो लोग महिलाएं समझती हैं, अगर वो अपनी शक्ति को पहचाने तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती हैं। बस उनके अंदर एक हौसला होना चाहिए, अपने अंदर से डर को अलग निकालना चाहिए, तो वो आगे फील्ड में, जिस फील्ड में जाना चाहती हैं, वो सभी फील्ड में सेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहते हैं कि महिला सेफ नहीं है, वो हर जगह सेफ है, बस अपनी शक्ति को पहचाने और उसको आगे लाएं। वेल दोस्तों, खास मेहमान में आज बस इतना ही। अब मैं नवेद खान आपसे विदा चाहूंगा, कल एक खास मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जब तक टेक केयर।